हेलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ग्रुप थ्योरी की एक फिर थ्योरम है। हम सब ग्रुप्स की चैप्टर डील कर रहे हैं, तो उसमें फाइनाइट ग्रुप के लिए एक थ्योरम आया है। क्या है कि अगर हमने नॉन एम्प्टी सबसेट एच लिया हुआ है, ठीक है, और ये फाइनाइट ग्रुप है जी, तो इसमें ये सब ग्रुप होगा एच जी का, कब अगर सिर्फ ये क्लोज प्रॉपर्टी दिखला दिया जाए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, फाइनाइट के केस में सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट कर जाती है सबसेट के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, प्रूफ देख लेते हैं इसका। बीएससी लेवल पे इसका भी प्रूफ आता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहले हमने कंसिडर कर लिया कि एच मेरा क्या है, सब ग्रुप है। ओके, तो आपको पता है फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप है। ओके, तो हमें पता है कि ये खुद एक ग्रुप होगा अगर सब ग्रुप है, तो डेफिनेशन से। ओके, तो अगर सब ग्रुप है था, गिवेन था, तो ग्रुप हो गया, तो ग्रुप के पास तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, तो इधर से तो ये प्रूफ हो गया इजीली। ओके, कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमने एच जी का सबसेट लिया हुआ है और क्लोज प्रॉपर्टी को भी कंसिडर कर लिया कि एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा टास्क क्या है कि एच को हम सब ग्रुप दिखाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आप देखो कि क्लोज प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है एच में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर सिंगल एलिमेंट ए है, तो ए स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ए क्यूब कर जाएगा, ए फोर कर जाएगा। तो हमारे पास एच के पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मिल सकता है इस तरह का, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए एन, ठीक है। अब आप देखिए कि एच जो है वो जी का सबसेट है, और जी हमारा क्या है, फाइनाइट है, यानी जी के पास लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एच भी फाइनाइट होगा क्योंकि एच इसका सबसेट है। अगर फाइनाइट है तो इस पैटर्न में जो लिखा जा रहा है, इस पैटर्न को बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज हो जाएगा, जा करके बंद हो जाएगा कहीं पे। तो हम सपोज करते हैं कि इसके पास जरूर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ताकि मेरे पास ये प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर जाए, एन इक्वल टू ई। ये एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वहाँ पे आइडेंटिटी मिलने के बाद, अब इसके बाद जो इसका पावर होगा वो एलिमेंट को रिपीट करेगा, यानी मेरा एच क्लोज हो जाएगा। ओके, दस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एच में एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, फाइनाइट है तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कराने के लिए। अब आप देखिए, एच जो है जी का सबसेट है, और जी क्या है, जी मेरा जो है वो है एसोसिएटिव, जी मेरा क्या है, एसोसिएटिव है, तो एच भी एसोसिएटिव होगा। ओके, क्लोज प्रॉपर्टी गिवेन था, आइडेंटिटी मिल गई, एसोसिएटिव मिल गया। अब हमको क्या दिखलाना है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट एच के पास। अब आप देखिए कि एन माइनस वन ये एच में बिलोंग करेगा, ठीक है, अगर ए एन ई है तो इससे छोटा एलिमेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एन आपका ई है तो ए इनवर्स भी आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो प्रूफ बीएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, फिर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बीएससी लेवल पे, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। ओके, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। अब देखिए, इंटरसेक्शन में दो तरह का थ्योरम जो है एग्जाम में आता है, एक तो है फाइनाइट या टू सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन, कि आपको क्वेश्चन करेगा कि प्रूफ कीजिए कि अगर दो सब ग्रुप है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। और दूसरा आता है इनफाइनाइट या आर्बिट्रेरी सब ग्रुप का, यानी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप ले लिए जाए, आर्बिट्रेरी नंबर, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, ये अभी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर प्रूफ करते हैं। क्या है, हमारा जो टास्क है, फॉर द टास्क, यानी हमारा हमको जो करना है, क्या करना है कि दो का इंटरसेक्शन को सब ग्रुप दिखाना है। तो सब ग्रुप दिखलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे थ्योरम आ गए हैं। ओके, तो जो हमारा जो सेकंड थ्योरम था, जो कि कॉम्पैक्ट वे था फर्स्ट थ्योरम का, कॉम्पैक्ट फॉर्म था कि सब ग्रुप दिखलाना है, तो क्या कीजिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, जिसका भी आप दिखलाना चाहते हैं। हमको दिखलाना है दो का इंटरसेक्शन का, एच वन और एच टू के इंटरसेक्शन का, तो इनका दो एलिमेंट लेंगे, और हमारा टास्क क्या होगा कि हम एक्स वन और एक्स टू इनवर्स भी इसमें दिखला दें। इससे क्या फायदा होगा, वो क्लोज्ड भी दिख जाता है और एक एलिमेंट का इनवर्स ऑफ एलिमेंट भी हमको यहाँ से दिख जाता है। ओके, तो हम लोग इसको आगे दिखलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको आप देखें फ्रेंड्स।